नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोर। दोस्तों SSP क्लर्क दे GK विच एक अपन टॉपिक दिता हुआ स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का मतलब कि होंगे दोस्तों, जो रीसेंट विच गेम्स हुई ने, खेडा हुई ने, उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम विच पूछे जाएंगे। रीसेंट टोक्यो ओलंपिक्स की गेम हो चुकी ने, जो 2020 विच होनी सी बट करोना करके 2021 विच पोस्टपोन कर दी गई है। तो इस दे बेस पे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम विच अपन देखने को मिलेंगे। इस तो इलावा ICC T20 रिलेटेड भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसकी भी मैं तुम्हें नैक्सट क्लास में क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रोवाइड करवा देंगा। तो टोक्यो ओलंपिक रिलेटेड जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ सकते हैं, सारे इन्हों नोट्स में इनकलूड ने। जो तुम ये नोट्स मैं तो लेना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुम इन्होंने नोट्स में तुम बाय कर सकते हो सिर्फ 44 रुपीज़ में। एंड जो सा वट्सअप ग्रुप में तुम्हें नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता है, जाके SSB क्लर्क के रिगार्डिंग जो वट्सअप ग्रुप बनया हुआ उसको ज्वाइन कर लो। हर इनफॉर्मेशन तुम्हें वट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। तो हूँ काफ़ी टाइम ऑलरेडी आप बोल बोल के वेस्ट कर दिता, हूँ सब तो आप मेन पॉइंट आप जान लेने टोक्यो ओलंपिक के रिलेटेड। तो सब तो पहला इतने इन्होंने मैनशन किया हुआ इस बच्चे करोना वायरस कारण डिले किया गया। टोक्यो ओलंपिक से जोड़े ही 2020 होना सी बट करोना वायरस करके ही डिले हो गया। ओलंपिक गेम्स 2000 विच ना होके 23 जुलाई 2021 तो लैके 8 अगस्त 2021 तक चले सी। एग्जाम विच क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कदों स्टार्ट हुई सी, कदों खत्म हुई सी, तो 23 जुलाई 2021 तो लैके 8 अगस्त 2021 तक यह चले सी। इस तो बाद मेन पॉइंट की गल करिए ओलंपिक गेम कितने हुई सी, पूछा जाता एग्जाम विच यह टोक्यो विच हुई सी। तो इस तो अलावा ओलंपिक गेम्स का मोटो की सी, एक लोगो होंदा है, जो भी टूरनामेंट होंगे ने उन्होंने लोगो होंदा एक, तो ओलंपिक गेम्स का मोटो सी यूनाइटेड बाय इमोशन, यह इसकी टैग लाइन सी। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है तो करके याद रखो। ओलंपिक गेम का मैसकोट की सी, मैसकोट मतलब शुभंकर की होंदा, मतलब एक चिन्ह होंदा, एक ब्रांड का नेम होंदा, जिवें उस तरह मैरीटोवा यह टोक्यो का कोई एनीमल है, कार्टून जो होंगे दोस्तों, यह इन्हों का शुभंकर सी ओलंपिक गेम्स का। तो इस तो बाद मेन पॉइंट की गल करिए ओलंपिक 2021 तो पहला यह गेम्स कितने हुई सी, मतलब जोड़ा हूँ यह ओलंपिक गेम्स हुई ने इस तो पहला कितने हुई सी, रियो विच हुई सी। ओलंपिक 2021 तो बाद ओलंपिक 2024 कितने होंगे, तो यह फ्रांस पैरिस विच होंगे। एग्जाम में पूछा जाता है जिवें अज कोई चीज़ हुई है इस तो पहला कदों हुई सी, इस तो बाद कदों होगी। तो याद रखियो जिहड़ा 2021 का होया वह अपने टोक्यो विच होया, तो 2021 तो पहला जो ओलंपिक गेम हुई सी यह रियो विच हुई सी। तो ओलंपिक 2024 कितने होणगी, 3 सालों बाद यह कंडक्ट कराई जाती है यह गेम्स, तो 2024 की जिहड़ी गेम्स होणगी यह फ्रांस पैरिस विच होणगी। ऐसे तुसी चार्ट देख सकते हो, ओलंपिक 2020 या 2021 कुछ भी तुहानू एग्जाम विच आ सकता, दोनों का मतलब इको है। तो 2016 में जिहड़ी ओलंपिक हुई सी वह रियो विच हुई सी, तो 2020 और 2021 की जी ओलंपिक हुई है वह टोक्यो विच हुई है, और 2024 की जी होगी यह पैरिस विच होगी। एग्जाम विच इस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड इस साल के ओलंपिक 2021 विच भारत वल्लों 119 एथलीट ने भाग लिया। एग्जाम विच क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक गेम्स 2021 विच भारत वल्लों किन्ने स्पोर्ट परसनस ने भाग लिया, तो 119 एथलीट्स ने भाग लिता। इस तो बाद मेन पॉइंट की गल करिए इस रिलेटड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं अपन कि भारतीय झंडा ओपनिंग गेम सैरेमनी के समय, ठीक है, जो गेम्स ओपन होंगे ने स्टार्ट होंगे ने उस टाइम भारतीय झंडा किसने लहराया, मैरीकॉम ते मनप्रीत सिंह ने, इन्हों दोनों ने ही जिहड़ा भारतीय झंडा लहराया सी, मतलब झंडा सैरेमनी होंगी है की सी, तो दोनों ने इंडियन फ्लैग पकड़े हुए थे इन्होंने। इस तो अलावा मैरीकॉम है जो वह बॉक्सिंग खेड नाल संबंधित, एग्जाम में यह पॉइंट भी पूछे जाते हैं कि मैरीकॉम किस गेम नाल संबंधित है, तो बॉक्सिंग नाल है, तुसी याद रखियो। तो मनप्रीत सिंह अपनी हॉकी टीम का कैप्टन है। एंड इस तो बाद आप गल करिए ओलंपिक गेम की क्लोजिंग सैरेमनी, जो ये खत्म होने वाली सी तो उस टाइम भी झंडा लहराया जाता, तो किसने लहराया सी, इंडिया का झंडा बजरंग पूनिया ने इंडियन फ्लैग लहराया सी। तो यह क्लोजिंग सैरेमनी कह देंगे इनू, मतलब कि जो गेम्स खत्म होंगे है उदो झंडा लहराउंदे आ, जिन्हों क्लोजिंग सैरेमनी के नाम नाल जाना जाता है। तो बजरंग पूनिया कुश्ती नाल रिलेटड है, एग्जाम में पूछ लिया जाता क्वेश्चन यह कि बजरंग पूनिया किस गेम नाल संबंधित है, तो कुश्ती नाल याद रखियो। इस तो अलावा होर मेन पॉइंट की गल करिए टोक्यो ओलंपिक विच भारत ने गोल्ड मैडल 1 जितया सी, सिल्वर मैडल 2 जीते ने, ब्राउन्ज मैडल
जिहड़े 4 जीते ने, टोटल मैडल 7 जीते ने। एग्जाम विच इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक विच किन्ने मैडल जीते ने, तो टोटल जिहड़े मैडल जीते ने 7 जीते ने, जिन्हां विचों एक गोल्ड मैडल सी, एक सिल्वर सॉरी 2 सिल्वर मैडल सी ते 4 ब्राउन मैडल सी। एंड इस तों इलावा होर मेन पॉइंट की गल करिए, गोल्ड मैडल इन्हें जीते से नीरज चोपड़ा द्वारा जैवलिन थ्रोअर की गेम विच जीता गया से। काफ़ी फेमस नीरज चोपड़ा, डायरैक्टली थोड़े तो नीरज चोपड़ा की रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता कि नीरज चोपड़ा किहड़ी गेम नाल संबंधित है, तो जैवलिन थ्रो यानी भाला सुट गेम नाल संबंधित है। इस तों इलावा एक होर एग्जाम विच इह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि इंडिया का गोल्डन बॉय किसनू कहा जाता है, तो नीरज चोपड़ा नूं ही जिहड़ा गोल्डन बॉय के नाम नाल भी जाना जाता है। नीरज चोपड़ा 23 साल का है और यह भारतीय सेना में एज ए नैब सूबेदार की पोस्ट पर सैट है। यह तो इस तों इलावा एथलीट भी है, इंडिया के तरफों खेलता है। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा संबंधित एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछने भी मिलते हैं। किसी भी स्पोर्ट परसन का नाम दिता जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह किहड़े राज्य नाल या किहड़े शहर नाल संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा बारे जो आ जाता एग्जाम में तो याद रखियो पानीपत हरियाणा के नाल संबंधित है। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला सिट के गोल्ड जितया सी इंडिया वास्ते। तो एंड होर नैक्सट गल की गल नैक्सट पॉइंट की गल करिए, नीरज चोपड़ा ओलंपिक गेम्स में भारत गोल्ड जितने वाला पहला खिडारी सी, मतलब 2021 सिर्फ नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड जितया सी। अज तक ओलंपिक विच भारत नूं कदे भी गोल्ड नहीं मिला, मतलब जदों तो ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो गई ने है ना, उदों तो सब तो फस्ट टाइम ही जिहड़ा नीरज चोपड़ा ने इस बार जिहड़ा गोल्ड जितया है। इस तो पहला नीरज चोपड़ा ने 2018 अर्जुन अवार्ड भी मिलिया सी एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि अर्जुन अवार्ड 2018 इन्हां विचों किहड़े प्लेयर नूं मिलिया, तो नीरज चोपड़ा नूं 2018 अर्जुन पुरस्कार मिलिया सी गेम्स के खेत्र में। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन पुरस्कार किहड़े खेत्र में दिता जाता है, तुसीं याद रखो स्पोर्ट्स के खेत्र में यह दिता जाता है। ओके दोस्तों, इस तो बाद गल करिए मीरा बाई चानू की। मीरा बाई चानू टोक्यो गेम्स में सिल्वर मैडल जीता से भारत लई। जिहड़ी मीरा बाई चानू है यह वेट लिफ्टिंग गेम नाल संबंधित है। एग्जाम में काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि मीरा बाई चानू किस गेम नाल रिलेटड है, तो वेट लिफ्टिंग यानी भार तोलन की गेम नाल संबंधित है। तो इस टोक्यो ओलंपिक में सब तो पहला मैडल सिल्वर मैडल के रूप में मीरा बाई चानू ने जितया से, मतलब भारत ने सब तो पहला मैडल जीता कि जीता सिल्वर मैडल, तो यह कि नहीं जीता मीरा बाई चानू ने जीता से। उस तो बाद गोल्डन मैडल जीता गया वह अलग गल है। तो इस बाद मीरा बाई चानू तो पहला 21 साल पहला ओलंपिक 2000 ब्राउन मैडल जितया से, इस तो बाद 21 साल बाद मीरा बाई चानू ने सिल्वर मैडल जितया है। ठीक है, मतलब यह वेट लिफ्टिंग की गल हो रही है कि वेट लिफ्टिंग 21 साल पहला भारत ने मैडल जितया से कोई ब्राउन मैडल, 21 साल बाद हूँ मीरा बाई चानू ने गोल्ड मैडल जितया है। इस तो बाद गल करिए मीरा क्लीन एंड जर्क राउंड 115 किलोग्राम भार और स्नैच राउंड 202, यह एग्जाम आने वाली गल नहीं है बट फिर भी थोड़ा जहा रीड कर लो। उसी इस तो बाद ओलंपिक गेम 2021 की वेट लिफ्टिंग गेम गोल्ड चाइना के हाओ जी उई ने गोल्ड जितया। जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम ओलंपिक 2021 वेट लिफ्टिंग गेम गोल्ड किस ने जितया, तो चाइना की हाओ जी उइज नामक स्पोर्ट परसन ने गोल्ड जितया से। इस तो बाद गल करिए मीरा बाई चानू बिलोंग टू मणिपुर। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि मीरा बाई किस स्टेट नाल रिलेटड है, तो मणिपुर नाल रिलेटड है। 2018 मीरा नू पद्म श्री पुरस्कार भी दिता गया से, याद रखो किस स्पोर्ट परसन पद्म श्री पुरस्कार मिलया से 2018 का, मीरा बाई चानू नू। तो 2018 ही प्रेजीडेंट द्वारा मेजर ध्यानचंद अवॉर्ड भी इसनों दिता गया से मीरा बाई चानू नू। इस तो बाद गल करिए रवि कुमार धाइया की, यह पहलवान है, मतलब भी रैसलिंग गेम नाल रिलेटड। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस गेम नाल रिलेटड है, तो याद रखियो पहलवानी यानी रैसलिंग दे नाल रिलेटड है। रवि ने ओलंपिक 2021 भारत लई सिल्वर मैडल जितया से, याद रखियो सिल्वर मैडल जितया से इन्होंने। तो फाइनल मैच में रवि कुमार ने रूस के पहलवान जुबेर युगेव तो फाइनल में हार जाण करके सिल्वर मैडल तो ही संतुष्ट रहना पे। इस तो बाद गल करिए लवलीना बोरगवाना, इन्हें भी मैडल जीता से। न्यूज़ में सब तो ज़्यादा यही रही सी जदों टोक्यो ओलंपिक हुए सी, तो काफ़ी न्यूज़ चली सी इन्हों के नाम दियाँ, तो करके काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है, इस बारे चंगी तरह जान लो। तो लवलीना बोरगवाना यह बॉक्सिंग नाल संबंधित है,
ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਬੋਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਬਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਵਲੀਨਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਬੁੱਸੇ ਨਾਜ ਸੁਰੇ ਨੇਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨਾ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੀ। ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਲੇਅਰ ਇਹ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਪੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 4 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਅਰ, ਆਪਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ, 2019 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਅਵਾਰਡ, 3 ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਕੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਬਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਮ ਲੀਡ ਨਾਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾਨ ਆ ਉਹ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਹੈ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਇਹ ਗੋਲਫ ਗੇਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਗੋਲਫ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, 1st ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਜਿਸਨੇ 39 ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੇ, 41 ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 33 ਬਰਾਊਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਰਹੀ ਚੀਨ, 38 ਗੋਲਡ, 32 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਜਾਪਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੇ, 14 ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤੇ ਐਂਡ 17 ਬਰਾਊਨ ਜਿੱਤੇ। 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, 22 ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 21 ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਹੀ ਬਰਾਊਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ 5th ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1 ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ, 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 4 ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਨ ਜਿੱਤੇ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ 1st ਅਮੈਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਊਨ ਜਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ 1 ਗੋਲਡ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਸਿਲਵਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਬਰਾਊਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਟੋਕਿਓ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਲਈ ਐਂਡ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ MCQ ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਾਰਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ MCQ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ PDF ਫਾਈਲ ਮੈਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 44 ਰੁਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ।